दोस्तों अगर आपको हमारे चैनल से जुड़ना है तो नीचे रेड कलर का आपको सब्सक्राइब दिख रहा होगा, इस पर आप लोगों को दबाना है। उसके बाद बेल आएगी, बेल पर भी दबाना है, फिर तीन ऑप्शन दिखेंगे, ऑल वाले ऑप्शन पर दबा लेना है। बस आप चैनल से अब जुड़ गए हैं, अब हर जानकारी आपके पास हमारी। नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज शाम की सच्ची खबरों में आप सबका स्वागत है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। मानदेय की खुशखबरी लेकर के आ चुके हैं और पूरा वीडियो ध्यान से देख करके जाइएगा। आपको बताएंगे किन किन जनपदों में पैसा खातों में सक्सेस हो गया यानी क्लियर हो गया। जो पैसा उत्तर प्रदेश में पिछले जो है शनिवार को अभी आया था, यानी अभी जो शनिवार आपका बीत गया है, तब आपने देखा था कि बहुत सी बहनों के खातों में पैसे लग गए थे दोपहर बाद से। उसका वीडियो आप लोगों को रविवार को सुबह 7 बजे दे दिया गया था। तो उसी पैसे की हम बात करें, वो पैसा जो आपके खातों में अंडर प्रोसेसिंग में उत्तर प्रदेश में लगा था, वो क्लियर होना आज दोपहर से शुरू हो गया है। हमारे पास काफी जिलों से मैसेज आए, मैं एक एक करके मैसेज बता रहा हूं ताकि आपको अनुमान लग जाए किन किन जिलों में कहां कहां पैसा सक्सेस हो गया, शायद आप लोगों का भी पैसा सक्सेस हो गया हो। तो चलिए बढ़ते हैं हम जानकारी की तरफ। इसके अलावा भी वीडियो में बहुत सारी आवश्यक जानकारी है जो आप सब बहनों के काम आएंगी। ये सिर्फ जो है जानकारी ये उत्तर प्रदेश के लिए है। इसके अलावा जो खबरें इस वीडियो में लगी हैं वो सभी राज्यों के भाई बहनों के भी काम आने वाली है। एक अति आवश्यक सूचना सभी राज्यों की आंगनबाड़ी बहनों के लिए हम देना चाहते हैं, वो भी आप लोग देख करके जाइएगा। फटाफट बढ़ते हैं, ये आप देखिए हमारे पास मैसेज संजय भाई की तरफ से पहला लगा हुआ है। इनके यहां पर जो मानदेय है वो उनका 4500 रुपया और 1000 रुपया दोनों मैसेज आ चुके हैं। तो इनका पूरा 5500 रुपया उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ जनपद से है और इनके खाते में पहुंच गया है। और ये देख लीजिएगा जो सत्यभामा बहन है, सत्यभामा मौर्या और अहरोली आजमगढ़ वगैरह से, आप देख लीजिए अतरौलिया लिखा हुआ इनका और आजमगढ़ से है। तो ये देखिए इनका पूरा आ गया पैसा 5500। काफी जगह मैसेज भी ये भी आए कि उनका केवल 4500 आया है, 1000 रुपया भी नहीं आया। तो वो भी आपका हो सकता है शाम तक या कल तक वो सक्सेस हो जाएगा बहुत जल्द, उसके लिए आप परेशान मत होइए। अगर पैसा 4500 और 1000 दोनों पैसे लगे हुए थे आपके, तो आपके 8 टोटल जाएंगे थोड़े बहुत आगे पीछे होकर के। ये देखिए ये बहन है, यहाँ पर लिखा हुआ रीमा यादव बहन है और जिला एटा से हैं। इनका भी 3:15 पर मैसेज आ गया है, 4500 पैसे आ गए। साथ ही साथ देवरिया जनपद में भी एक बहन है, 1000 रुपया इनका भी जो है पैसा आ गया है और इन्होंने सूचित कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और उमेश चंद मौर्य भाई जी हैं, उषा मौर्य बहन है वहाँ से, तो उन्होंने मुझे ये मैसेज किया हुआ है, आपका भी जो 4500 है वो भी जल्दी आ जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। इसके अलावा आप देखिए ये मैसेज रहा, इसमें भी यही लिखा हुआ है, यहां पर ये बहन है, यहां पर नीता देवी और सीतापुर जिले से हैं, 750 रुपया इनका आया है, शायद मिनी आंगनबाड़ी बहन होंगी इसीलिए, और इनका भी ये पैसा देख लीजिएगा ये लगा हुआ है। मिनी नहीं है, सहायिका बहन होंगी क्योंकि यहां पर 750 रुपया लिखा, मिनी बहन होती तो 1250 शायद होता। अब ये देखिए एक और मैसेज है, 750 रुपया इनका भी आ गया है और 3500 रुपया इनका कहना अभी नहीं आया है, दिसंबर महीने का दोनों का है ये करके ऐसे उन्होंने मैसेज किया हुआ है। दिसंबर का पैसा नहीं है, नवंबर का पैसा है, हमने पहले भी आप लोगों को बता दिया था, रविवार का वीडियो शायद आपने ना देखा हो। इसके अलावा मानदेय उत्तर प्रदेश से एक और मैसेज ये लगा हुआ है, यहां पर भी जो है 4500 रुपया खाते में आए और इनका 1000 रुपया अभी नहीं आया है, वो भी समय पर आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए। इसके अलावा ये देखिए सीतापुर से भी एक मैसेज लगा हुआ है, बिस्वा ब्लॉक से, यहां पर मिनी कार्यकर्ता है, 750 रुपया इनका आ गया। सॉरी वो सहायिका नहीं होंगी, मिनी बहन ही होंगी क्योंकि इन्होंने देखो जिक्र कर दिया मिनी है और 750 रुपया राज्य सरकार मिनी बहनों को देती है, उसी हिसाब से है आंगनबाड़ी बहनों को राज्य सरकार 1000 रुपया। अब आगे आपको बता दें, ये देखिए एक और मैसेज लगा हुआ है, वाराणसी जनपद का है, कोई बहन कह रही थी वाराणसी जनपद में उनका पैसा नहीं आया है, तो वाराणसी में भी देखो पैसा मानदेय आया है, ये रहा मैसेज 4531 रुपए का और राज्य सरकार का 1000 रुपया शायद अभी नहीं इनका सक्सेस हो पाया, अगर वो लगा होगा तो वो भी सक्सेस हो जाएगा। इसके अलावा देखिए ये एक और मैसेज है, 2250 रुपया इनका भी पहुंच चुका है और बाराबंकी जिले से यह खबर आ रही है, बाराबंकी से आंगनबाड़ी बहन है, इनके खाते में 2250 रुपया इनका पहुंच गया है। इसके अलावा हम आपको बताते हैं, सुधांशु भैया नमस्कार, ये देखिए एक और मैसेज है, 4500 रुपया इनका नवंबर का आ गया है, पीलीभीत जिला से हैं, ब्लॉक वगैरह पूरनपुर पड़ता है, सीमा फातिमा बहन है जादवपुर वगैरह से। और इसके अलावा आपको बताते हैं अगला मैसेज ये रहा हमारे पास, सुधांशु भैया जी ब्लॉक वगैरह सैया है और जिला वगैरह जो आगरा है वहां पर मानदेय वगैरह इनका 1000 रुपया राज्य सरकार का आ गया है और भारती कुशवाहा बहन है, दिनांक 5/1/2020 को ये उन्होंने पूरा लिख दिया, बहुत अच्छी बात है, और अहीरपुरा से है। साथ ही बताना चाहेंगे आपका भी जो 4500 है सबके देखो जहां जहां नहीं सक्सेस हुए वो भी हो जाएंगे, धीरे धीरे
करके हो रहे हैं। ये देखो, एक निधि सिंह बहन है, सरोजनी नगर लखनऊ से है, उत्तर प्रदेश में लखनऊ जिले से, सरोजनी नगर वगैरह से। अब देख लीजिएगा यहाँ पर 5500 रुपया उनका मानदेय आ गया है नवंबर का पूरा का पूरा। अब ऐसे सभी का धीरे धीरे क्लियर हो रहा है, जैसे जैसे लगा होगा आगे पीछे करके वैसे क्लियर हो रहा है। आगे आपको और बता दें, ये देखो देखो दिक्कत कहां पर हो गई। शनिवार को दोपहर से मानदेय लगना शुरू हुआ, ठीक है, उसके बाद में जो है रविवार के दिन तो अवकाश पड़ गया। फिर जिन लोगों का जिन जिलों में रह गया, अभी हरदोई जिले में बहुत सारे ब्लॉक है जहां पर पैसा नहीं लगा हुआ है, और भी जिले होंगे ऐसे, वहां पर भी कुछ ब्लॉकों में छूट गया है, नहीं लगा है, तो शायद आज कल में या किसी दिन लग जाए, या शायद हो गया, लग भी गया होगा, पता नहीं, तो उस चीज को आप ध्यान में रखना। और नहीं लगा होगा तो लग जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। 4563 रुपया देखो ये इनका भी आ गया है, सुशीला बहन है और फुत्तूपुर वगैरह भदोई से है, इनका ये पैसा आ गया है। 3 बजे मैसेज आया, लेकिन 1000 रुपए का मैसेज अभी इनके वहां उनका कहना नहीं आया, ये 4 बजे उन्होंने हमको मैसेज किया था। हो सकता है 4 बजे के बाद, अब तो बहुत टाइम हो गया, शायद अब पैसा इनका आ गया हो। इसके अलावा देखिए एक और ये मैसेज 3:29 पर आया था, यूपी के अलीगढ़ से है आंगनबाड़ी बहन, इनका भी मानदेय खाते में जो है, उनका कहना है कब आएगा बता दीजिए। तो बहन मानदेय आपका जो खातों में है वो तो अंडर प्रोसेसिंग में, रविवार को ही हमने वीडियो दे दिया है, शनिवार को जो है लग गया था काफी लोगों का, शायद आपका भी लग गया हो, अगर आप वीडियो देखा करें तो आपको जानकारियां मिलती रहेंगी। इसके अलावा देखिए ये हमारे पास मैसेज आया है, यहां पर आगरा से है, एतमादपुर वगैरह पड़ता है, आगरा में एक ब्लॉक है एतमादपुर, तो यहां पर उनका भी सैलरी 5500 रुपया आ गई। देखो कितनी अच्छी बात है, यहां पर उनका पूरा का पूरा पैसा आ गया है। इसके अलावा ये देख लीजिएगा लखीमपुर वगैरह से भी मेरे पास मैसेज आया है, इनका 4500 रुपया सक्सेस हो गया है, सुनीता बहन है, आप देखिए यहां पर, और ये रहा उसका मैसेज भी, हम आपको अच्छे से दिखाते हैं जो बहन ने भेजा हुआ है। ये रही तारीख 5/1/2021 और 1/1/2000 जो है यहां पर, अभी ये इनका डेट जो ये वाली है ना, ये क्रेडिट डेट वो वाली भी सही नहीं हुई, ये भी हो जाएगी, बैंक ट्रांजेक्शन डेट जो आज की है वो देखो हो गई है, 4563 रुपया इनका ये हो गया। नीचे अंडर प्रोसेसिंग में 1000 रुपया राज्य सरकार का ये देखो लगा हुआ है, और इस ये भी इनका जल्द से जल्द क्लियर हो जाएगा, उम्मीद पूरी है। इसके अलावा देखिए अगला मैसेज रितु बहन का आया हुआ, यहां पर मिर्जापुर से है, नारायणपुर ब्लॉक से, और 2 बजे इनका भी 1000 रुपया मानदेय आ गया है, साधना देवी बहन है दरअसल, और ये देख लीजिए। इसके अलावा आपको बता दें ये हमारे पास मैसेज आया हुआ है, लखीमपुर खीरी में भी मानदेय इनका आने लगा है, ऐसा मैसेज आया, उन्होंने मुझे भेजा है, 4531 रुपया इनके भी खाते में पहुंच चुके हैं, बाकी 1000 भी जल्द आ जाएंगे। इसके अलावा देखिए ये रहा एक मैसेज, यहां पर नवंबर माह का इनका मानदेय देखो खाते में 2 बजे लग गया है, 5500 क्लियर हो गया है, ये देखिए कितनी अच्छी बात है, इनका भी पूरा 5500 क्लियर हो गया। इसके अलावा आपको बताते लिखा है, हाय ब्रो, आपका जो है नंबर मुझसे जो है मोबाइल वगैरह रिसेट होने की वजह से मिस हो गए हैं, और इसीलिए उनका कहना है कोई अनमोल भाई है, उन्होंने आपका नंबर दिया है, थैंक्स जो है यहां पर उनको बोलना चाहती अनमोल जी को, और तो यहां पर अनमोल भाई को भी ऑल इंडिया की तरफ से धन्यवाद, और उसके अलावा भी जो भी भाई बहन है आप लोगों को भी हम इसी वीडियो में सूचित भी कर देते हैं, आपके हर एक वीडियो में जो भी वीडियो ऑल इंडिया पर पड़े हैं, जब भी आपका नंबर खो जाए या कुछ भी हो, यूट्यूब खोल लेना और यूट्यूब पर बस लिख देना सुधांशु पटेल, ठीक है, इतना आप लिखेंगे सुधांशु पटेल, ऑटोमेटिक आपको सजेस्ट करने लग जाएगा सुधांशु पटेल की न्यूज, सुधांशु पटेल की आंगनबाड़ी न्यूज, ऐसे करके आ जाएगा, यह सुधांशु पटेल की आंगनबाड़ी न्यूज आप लिख देना, ऑल इंडिया के जो नए वीडियो आएंगे या ऑल इंडिया चैनल पर आ जाना, अगर आप जानती हैं तो वहां से नए वीडियो पर आ जाना, या किसी वीडियो पर, अब तो हर एक वीडियो में नीचे जो स्लाइड के रूप में चलती रहती है ना, उसमें हमने नंबर डाल रखा है, तो वहां पर आपको नंबर मिल जाएगा, या उससे अच्छा अगर अभी आपके पास नंबर है तो अभी कम से कम आप अपना किसी डायरी में लिख करके नोट कर लीजिए नंबर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके अलावा आप देख सकते हो एक और ये मैसेज रहा, उत्तर प्रदेश के बिजनौर से आया है, और यहां पर शायद सुभलता कुछ लिखा हुआ है नाम, और एक बात आपको बताना चाहेंगे, ये मैसेज काफी वायरल हो रहा है अपने देश में, तो इस पर आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, और सभी राज्यों के भाई बहन ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं है केवल उत्तर प्रदेश की बहनों के लिए, मैंने कहा था सभी लोग देख करके जाना, एक आवश्यक सूचना है, और सूचना आवश्यक यही है, कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हुई है, और साथ ही साथ आपको बता दें यहां पर आप लोगों के खातों से पैसे ना उड़ जाएं, इसी की हम आप लोगों को जो है चेतावनी दे रहे हैं। ये मैसेज काफी भाई बहन अपने स्टेटस पर भी व्हाट्सएप पर लगाए हुए हैं, उसके अलावा बहुत से भाई बहन हमको भेज भी चुके हैं, 2-3 दिन से भेज रहे हैं बराबर, लेकिन हम इसको इग्नोर कर रहे हैं, इस वजह से हमने सोचा शायद अभी गवर्नमेंट का कोई लेटर नहीं जारी है, लेकिन फिर भी ये जनहित में, इसमें देखो मोहर भी लगी हुई, जनहित में जारी करके है, और यहां पर राष्ट्रीय जन जो है जनशक्ति सेवा संघ की तरफ से ऐसा प्रचार प्रसार इस चीज को करके किया जा रहा है, तो अच्छी बात है। तो यहां पर हम आपको अपने शब्दों में समझा देते हैं अब मैटर क्या है। इसमें लिखा हुआ है कि समस्त देशवासियों को सूचित किया जाता है कि कोरोना वैक्सीन के लिए आए हुए फोन को अटेंड ना करें। देखो अगर आपके पास कोई मोबाइल पर फोन आता है, उसमें कहता है कि कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हुई जानकारी मांगेगा, या कहेगा आपको वैक्सीन लग जाएगी, आप अपना जो है यहां पर आधार कार्ड बोलिए, आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, या कहे कि आपका रजिस्ट्रेशन बहुत जरूरी है वरना
ऐसा वैसा हो जाए, कुछ भी आपको डराया या लुभावना अवसर दे, कुछ भी करे XYZ फोन करके, तो आप लोगों को बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बताना है। देखो, कोई भी अधिकारी हो, कोई भी, चाहे आपका बैंक का ही क्यों ना हो कर्मचारी अधिकारी, या आपके कोई किसी भी सरकारी विभाग का अधिकारी क्यों ना हो, मोबाइल पर फोन करके जानकारी मांगना ये जो है गैर कानूनी होता है, आप सब जानते हो भली भांति, और कोई मांगता भी नहीं है। इसीलिए चाहे बैंक के काम हो या कहीं के भी हो, उसमें आप जब भी कॉल करते हो जो टोल फ्री नंबर होते हैं उन पर बोल देता है, पहले ही जो है आपको सुनाई देता है कि ये फला फला चीजें देखो जो है अपना जानकारी वाली वो किसी को मत दें या शेयर ना करें, ऐसी चीजें होती हैं। तो फिलहाल के लिए कोई अगर चीज होगी, सरकार अगर कुछ डाटा मांगेगी या रजिस्ट्रेशन करवाएगी तो कॉल कर करके कोई नहीं पूछेगा, जमीन यानी ग्राउंड लेवल पर किसी ना किसी को आप तक भेजा जाएगा। अगर आप लाभार्थी हैं यानी ऐसे आम जनता वाले हैं और वीडियो देख रहे हैं, या आंगनबाड़ी बहन के परिवार के हैं तो आप वीडियो देख रहे हैं, तो भी आप समझ लीजिए कि कुछ भी होगा तो किसी ना किसी कर्मचारी के ऊपर वो दायित्वों को डाल दिया जाएगा, चाहे वो कोरोना वैक्सीन के नाम पर रजिस्ट्रेशन सरकार करवाना चाहे या डेटा संकलित करना चाहे। अभी फिलहाल तो जो जनता के लिए तो कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि उनके लिए वैक्सीन आएंगी, अभी तो कर्मचारियों को ही लगना मुश्किल है, तो अभी उनका ही रजिस्ट्रेशन पहले हो चुका, उनके लिए जो भी हुआ सो हुआ। अब अगर आंगनबाड़ी बहन से भी कोई फोन करके कहे कि आपका रजिस्ट्रेशन करवाना है और जो है अपना ये सब बोलो वो बोलो, हम फला फला अधिकारी बोल रहे हैं, तब भी आप मत दीजिए। क्यों? क्योंकि अगर विभाग को चाहिए होगा तो वो सरकारी आदेश लिखित में जारी होंगे, निदेशालय में भी जारी होंगे, और ऑल इंडिया भी आपको दिखाएगा, उन्हीं प्रारूपों पर सूचना आएगी, और उन प्रारूपों के जरिए जो है वो प्रारूप जो आएंगे वो आपकी सुपरवाइजर के जरिए होते हुए ग्रुपों में आएंगे, आपको खुद बताया जाएगा, विभाग वाले बताएंगे, मीटिंग प्रशिक्षण भी सब होंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई भी अधिकारी बता दे कि हम फोन करके मांग रहे फला फला जानकारी, आप देते चले जाओ और आपके अकाउंट से पैसे खाली हो जाएंगे। इसके लिए ये यहां पर मैसेज है, इसमें लिखा है रजिस्ट्रेशन के नाम पर आपका आधार कार्ड नंबर मांगा जाएगा, फिर कहेंगे कि आपके मोबाइल पर OTP आएगा, वो हमको बताओ, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और वैक्सीन आपको जल्द मिल जाएगी, जैसे ही आपने OTP बताया आपका अकाउंट खाली हो सकता है। इसीलिए आप सभी सतर्क रहें और इस जानकारी को जन जन तक पहुंचाएं और सुरक्षित रखें। एक बात और बता दूं, जिनको यकीन ना हो तो हम आपको एक छोटा सा जो यहां पर बात बताना चाहेंगे। आप सब में से बहुत से भाई बहन अगर गांव क्षेत्र से हैं तो आपने देखा होगा जो भी जनसेवा केंद्र होते हैं वहां से पैसे निकालने का एक प्रोसेस बहुत ही ज्यादा जो है गांव में चल रहा है। वो क्या कि जनसेवा केंद्र पर जाइए, अपना अंगूठा लगवा दीजिए, बस अंगूठा आपका लग गया और उसके बाद में जो है यहां पर और बस पैसे आपके निकल गए। तो अंगूठा लगेगा, पैसे आपके निकल जाएंगे, इन बातों का आप ध्यान दे लेना। और ये इसीलिए होता है क्योंकि आधार कार्ड देखो हर एक जगह लिंक है आपका। अब आधार कार्ड लिंक अगर है भी तो ऐसे करके जो है यहाँ पर आपके अकाउंट से पैसे जो है खाली कर दिए जाएंगे। तो अभी आप लोग जो है अपना अंगूठा अपना हाथ थोड़ा काबू में रखिए, और उसके अलावा आपसे यही कहना चाहेंगे कि पैसे अपने अकाउंट के बचा करके रखिए, वरना अकाउंट खाली हो जाएगा। हम दोबारा आपको समझा रहे हैं कि आपसे अगर कोरोना वैक्सीन के नाम पर रजिस्ट्रेशन को लेकर के या अन्य किसी तरीके से रजिस्ट्रेशन के नाम पर आपसे आपका आधार कार्ड कोई मांगता है, और आधार कार्ड के बाद अगर आपके मोबाइल पर मांगी हुई जो OTP आ रही है वो आप दे देते हैं, तो आपके अकाउंट से 100% कट भी सकते हैं अगर वो फ्रॉड कर रहा होगा तो। अगर आधार का कोई और मैटर होगा उसमें भी OTP आएगी, और लेकिन यहां पर बैंक वाले भी ऐसे ट्रांजैक्शन हो जाएंगे क्योंकि आधार सब जगह लिंक है और आधार से पैसे बहुत ही आसानी से निकल रहे हैं। मैंने भी देखा और आप में से बहुत से भाई बहन जानते हैं, अगर जानते हैं कि आधार से पैसे निकल जाते तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। जिन भाई बहनों को यकीन नहीं होगा उनको भी, ताकि पता चल जाए कि हम सत्य बोल रहे हैं। और आगे फिर दोस्तों आप लोगों को कल सुबह की खबरों में हम मिलने वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही, और कल सुबह आंगनबाड़ी बहनों नर्सरी टीचर